नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है क्या डायबिटिक पेशेंट्स आम खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मेहता और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आम फलों का राजा कहलाता है और हमारे देश में ये स्पेशली समर सीजन में गर्मियों में उपलब्ध रहता है। आम की 1500 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं और इसमें हर वैरायटी फ्लेवर में और टेस्ट में यूनिक होती है। एल्फेंजो और दशहरी मैंगो बहुत ही फेमस वैरायटीज हैं जिनका हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जब भी गर्मियों का सीजन शुरू होता है कि वो मैंगो कंज्यूम करें या ना करें, क्योंकि मैंगो जैसे फ्रूट से रेजिस्ट कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है को बताना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि उनको बड़ा क्लियर हो जाए कि उनको मैंगो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, कच्चा आम जो कि खट्टा होता है उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पका हुआ आम जिसमें शुगर लेवल इंक्रीज होता है उसके खाने में प्रॉब्लम है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जिनका डायबिटीज या रीडिंग 120 से ऊपर है, या जिनका 3 महीने का जो एवरेज है वो 6 से ऊपर रहता है, उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप इंटरनेट को सर्च करें तो आपको दोनों तरह के व्यूज मिलेंगे। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि आम खाने में कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं, और कुछ लोगों ने इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया होगा कि आपको या डायबिटिक पेशेंट को आम नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि आप या जिन लोगों को डायबिटीज है वो भी मैंगो खा सकते हैं, लेकिन वो मॉडरेशन में होना चाहिए, सही तरीके से खाना चाहिए और सही वे में खाना चाहिए। अगर आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में है तो मैंगो खाने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ईट, लेकिन यू शुड ईट इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा लेनी चाहिए, सही समय पे खाना चाहिए और सही तरीके से खाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ मैंगो होते हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं, जबकि कुछ मैंगो जो होते हैं और भी ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन लोगों के पास ज्यादा चॉइस अवेलेबल नहीं है। जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में वो रहते हैं, जिस सिटी में वो रहते हैं, वहाँ जो वैरायटी अवेलेबल होती है वही आदमी खाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मद्रास की बात करिए, चेन्नई की, वहाँ नीलम, बैगन पल्ली वैरायटीज होती हैं। साउथ में मेनली बैगन पल्ली है, मल्लिका है, रसपुरी है, केसर है, ये वैरायटीज होती हैं। लेकिन नॉर्थ में डिफरेंट वैरायटी होती हैं, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है वगैरह वगैरह। तो आप जिस एरिया में हैं आप वही वैरायटी कंज्यूम कर पाएंगे। तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं, मैंगो का जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है उससे बेनिफिट होते हैं, और अगर वो उसको माइंडफुली प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करें, तो जैसा आप जानते हैं कि मैंगो
बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, इसमें विटामिन सी की मात्रा काफी पाई जाती है। आपका डेली विटामिन सी का जो रिक्वायरमेंट है 67% वो मैंगो से पूरा हो सकता है। और विटामिन सी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने में मदद करता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट जिसका ब्लड शुगर और या दूसरे पैरामीटर जैसे पोटेशियम वगैरह हैं वो विद इन रेंज हैं, तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट मैंगो को मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकता है। जैसा आप जानते हैं कि मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, 55, और ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 5 ज्यादा होने की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक सेफ फ्रूट बन जाता है। सो अब आपको पता लग गया होगा कि डायबिटिक पेशेंट भी मैंगो खा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कंज्यूम द मैंगो। द पीपल, जिन लोगों को डायबिटीज है वो मैंगो कैसे कंज्यूम करें, हाउ मैंगो शुड बी कंज्यूम और हाउ मच मैंगो शुड बी ईटन। जैसे मैंने पहले बताया कि इसको मॉडरेशन में खा सकते हैं, हाफ कप पल्प या हाफ मैंगो क्वांटिटीज एनफ पर डे। इसके अलावा कैसे मैंगो कंज्यूम किया जाए, उसका बेस्ट वे है कि आप मैंगो की स्लाइस बनाएं और उस स्लाइस को के पल्प को जो कि स्किन के साथ होता है उसमें उसके साथ कंज्यूम करें। स्किन नहीं खानी है, पल्प खाना है, लेकिन स्लाइस वाले मैंगो खाने में जब आपको एक अलग ही जो फ्लेवर है वो आपको मिलता है। इसके अलावा मैंगो को आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मैंगो इनटेक हाफ मैंगो से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको मैंगो खाना है तो शुगर लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना शुगर लेवल रोज चेक करिए, अगर शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आप खा सकते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की डायबिटीज होती हैं, तो जो कंट्रोल डायबिटीज वाले हैं उनको मैंगो से परहेज नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा जिनमें इरेटिक ब्लड शुगर्स या हाई पोटेशियम लेवल्स अंडर कंट्रोल है तो उनके लिए मैंगो खाना बिल्कुल सेफ है। वो जैसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने बोला है कि यू कैन सेफली ईट मैंगो। इफ शुगर इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमें जब तक शुगर लेवल को कंट्रोल में ना लाएं तब तक मैंगो का सेवन नहीं करना चाहिए। अंत में फाइनली जो बातें मैंने अभी तक बताई हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला ये कि आप आम खा सकते हैं, यानी डायबिटिक पेशेंट आम खा सकते हैं अगर उनकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल में है। अंडर कंट्रोल का मतलब है उनकी रीडिंग 120 शुगर रीडिंग, ब्लड शुगर रीडिंग 120 से कम है, या उनका 3 महीने का एवरेज 6 से कम है। नंबर 2, आपको मैंगो मॉडरेशन में खाना चाहिए, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खानी चाहिए, आधा मैंगो पर डे स्लाइस काट करके या हाफ कप मैंगो पल्प यू कैन ईट। नंबर 3, मैंगो मील के बाद डिसर्ट के तौर पर नहीं खाइए, उसको खाना है तो आप मील्स के बीच में स्नैक्स के तरीके से खाइए। नंबर 4 जो है, आपको मैंगो शेक या मैंगो फ्रूट जूस नहीं खाना चाहिए, उसके बजाय फ्रेश मैंगो खाना चाहिए। और नंबर 5 जो इंटेक है वो ये है, अगर किसी आदमी को डायबिटीज़ है तो जब तक उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ जाती है तब तक उसको मैंगो नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा
अगर वो मैंगो खाता है डायबिटिक पेशेंट, तो उसको दूसरे जो सोर्स हैं शुगर के, कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि चावल है, चपाती है, उसकी मात्रा को थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिससे कि ग्लाइसेमिक लोड आपकी बॉडी पर ज़्यादा ना पड़ने पाए। और छठवां इंटेक है, ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि मैंगो फ्रूट काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, इसके और भी बहुत बेनिफिट हैं, इससे हमें फाइबर मिलता है, विटामिन सी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं, उनकी शुगर बढ़ा देता है। तो अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आप बेफिक्र मैंगो खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करके मॉडरेट अमाउंट में आपको कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, और वो सभी लोग जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल के में है, वो आज मेरा वीडियो देखकर काफ़ी खुश होंगे। और अगर अभी तक आप मैंगो नहीं खा रहे थे, तो आप बेफिक्र मैंगो का सेवन मॉडरेशन में कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, इस मेरे चैनल का नाम है अरुण मेहता क्वालिटी टॉक, इसे आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी, और जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके पास फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय हिंद।